अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफील कासिम और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो कोविड-19 पे है। कोविड-19 आपको पता है एक ऐसा वायरस है जो कि 2019 में चाइनीज से जना पेरिना पूरी दुनिया में फैल गया। चाइना से ये शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर जनावना फैल गया और इसकी वजह से पूरी दुनिया ने जना पेरिना कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त किए और ये जो इम्पेक्ट्स थे इसके ये मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर थे और पूरी दुनिया में तकरीबन कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिसने इसके जनाब में इम्पैक्ट्स को फेस ना किया हो। सो आज हम इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो जनाब में देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और ये देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कौन कौन सी चीज़ जनाब में हिली है, किसको इसने जनाब में नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जनाब रीना और भी होंगे लेकिन हमारी इस 3-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताता चलूं कि कोविड-19 जो है ना, इसका एग्ज़ाम कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के साथ काफ़ी हद तक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहेगा आइंदा 2 साल के जो एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें, क्योंकि इसने तकरीबन बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं ना उनके साथ इसका इंटरेक्शन हुआ और बहुत खलकत को जनाब ने इसने नुकसान भी पहुँचाए। सो अगर आप देखें इसका जो पहला मैं इम्पैक्ट जनाब ना लिखूँ अगर, तो इसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट है ना वो ग्लोबलाइजेशन पर है। अब आपको पता है 21st सेंचुरी के अंदर ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो इनएविटेबल प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। लोग अपने आइडियाज़ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, ट्रेड और जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, जो जनाब ना पैसों के लिहाज से बेनिफिट्स हैं, वो जो आइडियाज़ इंफॉर्मेशन के लिहाज से बेनिफिट्स हैं, वो बॉर्डर्स ख़त्म करने की बात होती रही है, आपस में एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ने की बात होती रही है। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ग्लोबल विलेज बन चुका था जिसमें लोग अपने कमरे में बैठ के बहुत सारी खलकत के साथ इंटरेक्शन कर सकते थे। लेकिन कोविड-19 ने जनाब अली ने ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट उठा दिया कि जिसकी वजह से अब आप ग्लोबलाइजेशन को नेगेटिव समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा डिजीज़ के फैलने की जो ताकत है ना वो बढ़ जाएगी, तो ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सो सबसे बड़ा और सबसे बुरा इम्पैक्ट जो लगा ना वो ग्लोबलाइजेशन पे लगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो नेशनलिस्टिकली सोचना शुरू हो गए और उन्होंने कहा भाई ये जो तरीकाकार है ना अपना इसका ग्लोबलाइजेशन का कि बॉर्डर्स ख़त्म कर दो, हर आना जाना लगा रहे, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अपने बॉर्डर्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, उसके अंदर जितनी भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं ताकि हमारे पास कहीं दूसरी कंट्री से कोई जो वायरस इस वक्त तो आके फैल चुके हैं और उसे सबको जलील किया है ना, ये ऐसा आइंदा आने वाले वक्तों में ना हो। अच्छा, इसके बाद क्योंकि कोविड-19 जो है ना वो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इसने इंसानों की जाने लेना शुरू कर दिए, एक डिजीज़ फैल गई, फ्लू हो गया, बीमार हो गए लोग, तो इसका सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नुकसान पहुँचा ना वो हेल्थ सेक्टर को पहुँचा। कि हेल्थ सेक्टर जो है ना वो तो तैयार ही कोई नहीं था इस किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए। लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, न्यूरो पॉलिसी मेकर्स हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को इतना इम्प्रूव्ड और इतना प्रोएक्टिव बनाया ही नहीं हुआ था कि अगर इस किस्म का वायरस उनकी ज़िंदगी के अंदर अगर उनको मिल रहा है तो इसका कोई नुकसान जनाब अली ना हम कैसे काउंटर करेंगे। उनके पास इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और ये स्ट्रेटजी के ना होने की वजह से और तैयारी ना होने की वजह से, पॉलिसीज ना होने की वजह से, और हमारे जो ग्लोबल मेडिकल फील्ड के रिसर्चर्स हैं उनकी जनाब ना जो अप्रोच है फ्यूचर के बारे में वो बहुत छोटी और नैरो होने की वजह से जनाब ना कोविड-19 ने पूरी दुनिया को काफ़ी हद तक 1.5 साल पूरा ज़बरदस्त तरीके से जलील किया, इसकी वैक्सीनेशन भी ना बन सकी। तो अगर आप हेल्थ सेक्टर के अंदर देखेंगे लोग बड़ा इनिशियली बहुत धड़ाधड़ मरना शुरू हो गए, इवन कि इसका जो डेथ रेट था रेशो थी इसकी वजह से वो बहुत कम थी, मगर जो वल्नरेबल लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम किसी हद तक वीक था वो जनाब ना उड़ गए सारे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें कि आपको पता चला कि जनाब ना जो वेंटिलेटर्स है ना वो हॉस्पिटल्स के अंदर अप टू द मार्क नहीं है और क्वांटिटी उतनी उनकी इतनी नहीं है जितनी जनाब ना पॉपुलेशन और उसके लिहाज से होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। हमारे पास जो
मास्क इंडस्ट्री है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, मास्क पहनना इसको बड़ा जनाब ना, और ये वो तमाम चीज़ें जो कोविड के लिए जनाब बहुत ज़रूरी हुआ करती थी वो अचानक से हमें पता चला कि वो तो सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था इसका। अगर तीसरे नंबर पे आप एजुकेशन को लेके देखें कि एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर जनाब एलिना कोविड 19 ने बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला। आपने देखा होगा स्कूल्स बंद हो गए, अब जिस मुल्क के जिस कौम के स्कूल्स बंद हो जाए, जहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस ही ख़राब हो जाए, जहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस बंद हो जाए, उस जगह के ऊपर मतलब आप किस किस्म के इनोवेटिव और आइडियाज़ के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आने वाली जो नस्लें होंगी वो हमें या हमारे बचाव के लिए बहुत सारा काम करेंगी। बहुत मतलब इस किस्म का झटका काबिले बर्दाश्त ही नहीं था, ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर को। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर के अंदर अब और भी अगर ज़बरदस्त आप बात नोट करें ना, कि आप जो लोग एजुकेशन के साथ रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कि जब आप बच्चों को एक महीना डेढ़ महीना तक बगैर किसी काम के, बगैर किसी एजुकेशनल एक्टिविटी के छोड़ देते, तो उनका दिमाग जो है ना वो इन्फॉर्मेशन से आगे ही वो रजिस्ट कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई करना हमें मतलब इतनी ज़्यादा बोरिंग किस्म की पढ़ाई हमारे डिवेलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है कि वो चाहते ही नहीं है कि हम पढ़ें। सो एक तो पढ़ाई बोरिंग थी, ऊपर से स्कूल्स भी बंद हो गए, तो वो जो पाबंदियाँ जो बाई फोर्स भी उनको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था ना, वो भी उड़ गया। सो एलीट क्लास के जो सिस्टम था उसने तो चलो कुछ ना कुछ हद तक लोगों को थ्रू द टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट किया, और उन्होंने कहा कि भाई अब जो हो सकता है मैक्सिमम हम आपको ऑनलाइन एजुकेट करते हैं, मगर जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन थे स्पेशली इन पाकिस्तान ख़त्म, उनके बच्चों को तो पता ही कोई नहीं, वो कोविड विक्टिमाइज होकर उनका एग्ज़ाम पूरी तरह नहीं लिया जा सका। और आप अंदाज़ा करें कि इस साल लोगों ने FSC सिर्फ 3 पेपर दे के कर लिया और उन्होंने अपने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, और आप अंदाज़ा करें ऐसे लोगों का जिन्होंने 1100 नंबर ही ले लिए सिर्फ 3 पेपर्स की बुनियाद पर, उनको अंग्रेजी उर्दू के अंदर ऐसे ही ग्रेड देना पड़े। ये वीकनेस थी सिस्टम की कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम इस किस्म की कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में, या कैटास्ट्रोफिक तो कहने ही चाहिए, इस किस्म की पैंडेमिक की सूरत हाल के अंदर हमारा सिस्टम तैयार ही नहीं है कि अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है तो हम अपने बच्चों को, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट कैसे करेंगे, वी इवन डोंट नो अबाउट इट। हमारी तो यूनिवर्सिटीज इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, हमें तो टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंटरेक्शन ही बहुत ज़्यादा जनाब ना काम है। ये एजुकेशन के ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। स्कूल्स क्लोज हो गए, लर्निंग का प्रोसेस रुक गया, प्राइमरी लेवल से, सेकेंडरी लेवल से, हायर एजुकेशन लेवल तक सब कुछ इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में ख़राब हुआ, और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी इसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अगर आप चौथे नंबर पर आप बात करें इकॉनमी की, सो इकॉनमी के अंदर भी नागरिना कोविड 19 ने बड़ी धज्जियाँ उड़ाई। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया, मतलब लोगों ने काम करना छोड़ दिया, जो इंडस्ट्रीज़ या जो चीज़ें काम कर रही थी, जहाँ पे मज़दूर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया अब निकल जो यहाँ पे तो वायरस आ सकते हैं, हम बंद। उनकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी रुक गई, तो अल्टीमेटली जो माल स्टॉक हो गया तो उन्होंने नया काम करवाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह जो मज़दूर लोग थे उन्होंने, उनकी मज़दूरी ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जलील हो गए, लोगों ने कर्ज़े लेना शुरू कर दिया, और उस कर्ज़े के सिलसिले में उन्होंने अपना वो टाइम तो गुजारा मगर एम्प्लॉयमेंट फिर भी जनरेट ना हो सकी प्रॉपरली। अब आप पाकिस्तान की अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास तो गवर्नमेंट ने जिस कदर एंटिसिपेट किया जा रहा था, PTI की गवर्नमेंट ने कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने तो 1 करोड़ क्या 0.1 करोड़ का कोई 1% नौकरियाँ भी पूरी तरह लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सके, ख़ासतौर पर वो वाली जॉब जिसके अंदर जो चंक है पॉपुलेशन का, एजुकेटेड ग्रेजुएट्स का बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो चंक है ना, वो जो नौकरियाँ अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है, तो वो तो यही नहीं कर पाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, तो इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, इसकी वजह से लोगों की ट्रेड बंद हो गई, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, ट्रेड रुक गई, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इसका। तो इकॉनमी ओवरऑल बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब एलिना इसकी वजह से हर्ट हुई। इवन दाओ कि कुछ जो इंडस्ट्रीज थी वो बड़ी ग्रो भी की हैं, फॉर एग्जांपल जो मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री थी या जो हैंड सैनिटाइजर के वाली जो इंडस्ट्री थी, ये ग्रो की क्योंकि इस वक्त इनकी दुनिया को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत भी पड़ी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी रेट भी बढ़ा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुकी, ट्रेड भी जनाब अली ने रुक गई, जिसकी वजह से
जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमी जो थी ना वो हर्ट भी हुई। इवन अगर ग्लोबल लेवल की वजह पाकिस्तान के लेवल के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जनाब ने इसकी वजह से नुकसान हुए। सो ये तो चार एस्पेक्ट अभी आपको मैंने बताया। नंबर वन आपको मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। नंबर टू आपको बताया हेल्थ सेक्टर के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त और बड़ा गंदे तरीके से इम्पैक्ट हुआ। हेल्थ सेक्टर तैयार नहीं था, उसके पास चीज़ें मौजूद नहीं थी। नंबर थ्री एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इसका बहुत अजीब और बहुत नाकाबले बर्दाश्त किस्म का जनाब ना इम्पैक्ट हुआ। नंबर फोर इकॉनमी जनाब ने इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हुई। ये तो चार एस्पेक्ट हैं, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ही होंगे जो अब आपके माइंड में होंगे जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी इस इंफॉर्मेशन के अंदर। मेरे पास जो नए आते रहेंगे मैं भी जनाब इन दिमाग में आएंगे वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच। अब जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि कोविड 19 ने हमारे साथ भला कैसे किया है। मतलब इसके ये तो सारे इसके चलो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, हमें भला क्या दिया है, हमारे लिए भलाई का काम किया गया। आप किसी इसकी मैं सिर्फ आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि किसी बंदे को सिर्फ ये बताना कि यार तुम्हारे अंदर सिर्फ ये गलतियाँ हैं और वो बंदा अगर समझ जाए कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, तो यही उसके लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होगी कि बंदे को बंदे की गलती पता चल जाए। तो कोविड-19 ने हमें बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में बताया जो कि शायद हम जाने अनजाने के अंदर कभी पता ही ना कर पाते। तो ये इसका फ़ायदा भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। या नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।